हेलो गाइस, स्वागत है नए वीडियो में। आज हम कंपेयर करने वाले अमेज़ फिट बिट एस को रियलमी के स्मार्ट वॉच के साथ और हम देखेंगे इसमें हम क्या कुछ मिल जाता है खास। हम करेंगे इसका पूरा डिटेल ओवरव्यू और आपको बताएंगे कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। अब गाइस, अगर हम लोग बात करें डिस्प्ले की, तो हमें डिस्प्ले में देखने को मिल जाती है अमेज़ फिट बिट एस में हमें देखने को मिल जाता है 1.28 इंच की स्क्रीन, जिसमें आपको प्रोटेक्शन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की मिल जाती है। और वहीं रियलमी के स्मार्ट वॉच में हमें देखने को मिल जाती है 1.4 इंच की स्क्रीन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ। तो दोस्तों, रियलमी के स्मार्ट वॉच में आपको थोड़ी सी अट्रैक्टिव और क्रिस्प डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो एक अच्छा पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। अब हम बात करें अगर बैटरी की, तो हमें देखने को मिल जाती है अमेज़ फिट बिट में 200 mAh की बैटरी जो 40 डेज तक चलती है, और साथ ही साथ रियलमी में हम देखने को मिल जाती है 160 mAh की बैटरी जो 10 डेज तक चलती है। बैटरी की बात करें दोस्तों, तो अमेज़ फिट बिट एस में आपको बैटरी बहुत अच्छी मिल जाती है, तो यहाँ पे विनर अमेज़ फिट बिट है। अब गाइस, अगर हम लोग फिटनेस की बात करें, तो हमें रियलमी के स्मार्ट वॉच में देखने को मिलती है 14 स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन, और वहीं अमेज़ फिट बिट में हमें देखने को मिलता है 10 स्पोर्ट्स मोड, जहाँ रियलमी का स्मार्ट वॉच हमें ज़्यादा ऑफर कर रहा है स्पोर्ट्स मोड, जिसमें आपको क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल वगैरह बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो नो डाउट यहाँ पे रियलमी का स्मार्ट वॉच यहाँ पे विनर हो जाता है। अब दोस्तों, अगर हम लोग कलर ऑप्शन की बात करें, तो इन दोनों में हमें 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं और चारों के चारों बहुत अच्छे हैं। सेंसर्स की बात करें, तो इन दोनों में हमें हर्ट रेट मॉनिटर और एक्सेलरेशन सेंसर का ऑप्शन मिल जाता है। अब गाइज, अगर हम लोग स्मार्ट नोटिफिकेशन की बात करें, तो इन दोनों में हमें थर्ड पार्टी ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन के लिए, और साथ ही साथ आप रिजेक्ट कॉल कर सकते हैं, आप कॉल पिक नहीं कर सकते हैं, आप SMS को सीन कर सकते हैं, बट आप रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात करें इनमें क्या मिसिंग है, तो यहाँ पे आपको रियलमी के स्मार्ट वॉच में SPO2 का सपोर्ट मिलता है, पर आपको यहाँ पे GPS देखने को नहीं मिलता है। और वहीं अमेज़ फिट बिट में आपको GPS का सपोर्ट मिल जाता है, पर वहाँ पे SPO2 का सपोर्ट नहीं मिलता है। दोस्तों, GPS के हेल्प से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपने कितने किलोमीटर्स के वॉक या रन किया है, और साथ ही साथ आप अपने लोकेशन को भी ट्रैक कर सकते हैं। वहीं पे रियलमी में आपको स्टेप्स और कैलोरीज का ऑप्शन मिल जाता है ट्रैक करने के लिए कि आपने कितने कैलोरीज बर्न किए। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि रियलमी में हमें GPS नहीं मिलता है, पर अगर आप विनर की बात करें, तो यहाँ पे अमेज़ फिट बिट विनर बन जाता है। बात करें कुछ अदर फीचर्स की, तो हमें यहाँ पे रियलमी के स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाता है कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन, जो आपके वॉच में ही आपको देखने को मिल जाता है, वहीं आपको अमेज़ फिट बिट में ये ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी सब चीजें जो म्यूजिक कंट्रोल वगैरह होगी, वो सिर्फ आपको देखने को मिल जाते हैं दोनों में। अब बात अगर हम लोग कंक्लूजन की करें, तो आपको कौन सा लेना चाहिए, तो अगर आपके लिए मैटर करता है स्मार्ट वॉच में GPS होना, तो आप जा सकते हैं अमेज़ फिट। और अगर आपके लिए GPS उतना मैटर नहीं करता, अगर आप फोन को हर जगह अपने साथ कैरी करते हैं, तो आप रियलमी का स्मार्ट वॉच ले सकते हैं। रियलमी का स्मार्ट वॉच लेने से आपको थोड़े से फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं, डिस्प्ले आपको बड़ा मिल जाता है, और डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है अमेज़ फिट बिट से। रियलमी का स्मार्ट वॉच का डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और अगर बात करूँ, जो मेन हाईलाइट है यहाँ पे, वो है बजट का। यहाँ पे एक और चीज मेन है दोस्तों, कि आपको यहाँ पे ₹1000 की सेविंग्स भी हो जाती है अगर आप रियलमी के स्मार्ट वॉच को लेते हो। तो यही कुछ खास चीजें हैं इन दोनों की। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर इन दोनों में से आपको कोई भी चाहिए, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो ऐसे ला सके। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।